साधुनगर में कोरोना विस्फोटक होने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण कार्य का जायजा लेने के लिए सोमवार को जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल छोटी सादरी पहुंची। कलेक्टर जोरवाल ने पंचायत समिति सभागार में सभी अधिकारियों की बैठक ली और उसकी रोकथाम तथा कोरोना की रोकथाम तथा प्रभावी नियंत्रण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर जोरवाल ने बैठक में बताया कि छोटी सादरी में निम्बोड़ा जैसी स्थिति नहीं हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए जरूरी है। स्थानीय प्रशासन कंटेनमेंट जोन में विशेष फोकस करे और यहां कड़ी सख्ती रखे। बैठक में BCMO खुदर कुमुद माथुर ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से कोर्ट के सामने सिंध्याचल वाटिका भवरमाता मार्ग स्थित अम्बेडकर छात्रावास तथा सेमरेड़ा गांव में कस्तूरबा आवासीय बालिका छात्रावास में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहां कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश वर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से पूरे नगर में चिकित्सा टीमों द्वारा 1530 लोगों की कोरोना जांच की। बैठक के बाद कलेक्टर ने जोरवाल ने सेठ जी की हवेली के पास साटोला गली सोनी मोहल्ले में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर स्थानीय प्रशासन की ओर से इस बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हिंदू चौराहे पर कलेक्टर की गाड़ी जाम में फंस गई। दरअसल हुआ यूं कि कलेक्टर कंटेनमेंट जोन में निरीक्षण करने जा रही थी, इस दौरान हिंदू चौराहे के पास सामने नगर पालिका की दमकल गाड़ी सैनिटाइजिंग का कार्य कर रही थी। ऐसे में दमकल गाड़ी सड़क पर खड़ी होने से थोड़ी देर यहां जाम के हालात बन गए। वहीं नगर पालिका की ओर से नगर के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन की गतिविधि की जा रही है। सेमड़ा गांव में बनाए गए कोविड केयर सेंटर निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी विनोद मल्होत्रा, तहसीलदार सुंदरलाल कटारा, विकास अधिकारी विश्वनाथ शर्मा, BCMO डॉक्टर कुमुद माथुर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश वर्मा, डॉक्टर विजय गर्ग, अशोक बेरवा, सूचना सहायक भवनलाल मेघवाल आदि मौजूद थे।